आज हमारी बैठक हुई है और हमारे मंत्री जी अर्जुन जी, हमारे विधायक महोदय बोगरा जी और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राजकुमार जी बीटीपी के हमारे विधायक हैं, राम प्रसाद जी विधायक हैं और हमारे एक्स एमपी साहब ताराचंद जी भगोरा साहब हैं, एक्स प्रधान लक्ष्मण जी हैं और हमारे अधिकारी साहिबान भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे गमेती ही मुखिया हैं और समाज के हमारे देवेंद्र जी कटारापुर विधायक भी हैं, वकील साहिबान भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं और सभी स्टूडेंट्स प्रतिनिधि भी हैं। क्या निकला सब मिलके यहाँ मीटिंग की है और पूरी स्थिति से काफ़ी लंबी चर्चा हुई। 20-22 जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सभी चिंतित भी हैं और समस्याओं से भी चिंतित हैं, सरकार से बराबर बात भी कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही जल्दी हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसका रास्ता भी निकालेंगे। हमारी विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और ये जो अशांति फैल रही है ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जाए और किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखें। मांगे उन्होंने ये जो रखी है 1167 जो पद है, ये पद जो बचे हुए हैं इनको, चूंकि इस क्षेत्र टीएसपी एरिया है, इनका ये कहना है कि हमारे लिए ये पद अलॉट किए जाएं। जब एकल पीठ में हम जीत गए थे तो सरकार डीबी में जाके और फैसला बदलवाया है, तो अभी पुनः एसएलपी दायर करके और हमारे पक्ष में फैसला करावे, हमें न्याय दिलावे। हम बेरोजगार हैं, योग्यताधारी हैं, इसलिए हम सब मिलके इनकी चिंता को, इनकी मांग को, इनकी वाजिब मांग को हम सरकार से बात करके सोल्व करवाने का इनको आश्वासन भी दे रहे हैं और हम सब पुनः अपील कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को रोके और जो नुकसान कर रहे हैं, उग्र रूप धारण किया है, इसको शांत करें। हाईवे से हटेंगे क्या? सहमति बनी क्या हाईवे और पहाड़ियों से? देखो अभी अपील कर रहे हैं, आज पहली बैठक है हमारी, पहली मीटिंग हुई है, तो निश्चित तौर पे इसका अपील करेंगे तो उसका असर होगा और हम सब मीडिया से अपील तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रतिनिधि से बात हुई, उन्होंने क्या कहा है? यही अभी यहाँ मीटिंग स्थल पर ही है, अभी खेरवाड़ा जाने में 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर की दूरी है, तो निश्चित तौर पे जाके और अपील करके उनको हटाएंगे। और राजकुमार जी, हमारे राम प्रसाद जी, दोनों विधायक महोदय साहिबान इधर पधारे और पधारो तक आ गए हैं, फिर से पत्थरबाजी हो रही है, समझाइश कैसे चलेगी? सभी चैनलों को हमारी ओर से सबसे पहले तो जोहार। अब ये खेरवाड़ा तक आ गए हैं, वो सूचना किसके पास आई है? आपके पास आई है या फिर प्रशासन के पास आई है? ये हमको चाहिए। कलेक्टर साहब मीटिंग छोड़ के गए, प्रशासन की लापरवाही से सब हो रहा है, प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है, राज्य सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमजोरी दिखा रही है। अब इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है, उस डिमांड को उन लोगों को मान लेना चाहिए था। और हम लोग आपके चैनल के मार्फत से कहना चाह रहे हैं, इस इलाके में कोई बाहरी ताकत नहीं आई। अभी चैनल हम देखते हैं, उस चैनल में बाहरी ताकत है, कोई ऐसा है कोई वैसा है, और यहाँ तक इवन यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्या ये भविष्य तय करेंगे ऐसे लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बैठे हैं वो कतई किसी ने कुछ नहीं किया है। अब उसके अंदर हुआ ये है कि आपके केसरिया जी से लेकर रतनपुर तक बॉर्डर तक जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए पहले पुलिस द्वारा,
पहले जो 15-20 सालों से वो लोग खार खाए हुए हैं, उन लोगों का ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरा है कि ग्रामीणों के जो जितने भी लोग 400 से 500 600 लोग गिरफ्तार कर लिए, घर के अंदर मारा पीटा गया है, आपके जो डिलीवरी महिला है उनको मारा पीटा गया है, कर्मचारियों को मारा पीटा गया है, जब वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको जो गिरफ्तार किया और आज 600-700 लोग उदयपुर की डूंगरपुर की जेलों में बंद है, सभी थानों में, तो कम से कम पुलिस प्रशासन ने पीटा है। हम तो खुला बोलेंगे सत्यमेव जयते, कोई हमें किसी छुपाना नहीं, इसलिए हम लोग निवेदन दो हाथ जोड़कर कहना चाह रहे हैं पूरी राजस्थान की जनता से कि आदिवासी इलाके को कोई बदनाम नहीं करे, कोई बाहरी ताकत नहीं आई है, और प्रसाद देखो हमारे नेताओं ने जो बात कही उससे मैं तो दो कदम आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। ये मात्र और मात्र अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, इसमें जिला प्रशासन और आपका इस इलाके का जितना भी प्रशासन है वो भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और अभ्यर्थी भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और ग्रामीण भी शांति व्यवस्था बनाए रखे। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में आने वाले समय में हम उन लड़कों से मिलेंगे और निश्चित रूप से ये आंदोलन को स्थगित करवाएंगे और सरकार कब तक करवाएंगे। आपकी बात का आदिवासी युवा जो है वो आपकी बात को तवज्जो देता है, आप कब तक करवाएंगे? देखिए सर, हम लोग युवा से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मैंने पहले ही प्रशासन को कहा था, जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। मैं खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब शंकर जी शर्मा एसपी साहब अभी लगे हुए हैं जयपुर में ग्रामीण में, उनका फोन आया, कांति भाई आपको इधर डूंगर खेरवाड़ा आना है, जब वो जो हमारे यहाँ पे रह के गए हैं वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि नहीं आपको आना है, जब मैं आपको खुला बताना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जितने भी उपद्रव पहले हुए थे कहीं ना कहीं युवा हमारी बात मानते हैं। मनाली के अंदर 2 एक्सीडेंट हो गए, हजारों की संख्या में लोग पैदा हो गए, तो शंकर जी शर्मा मेरे को कॉल किया, मैं गया और आधे घंटे में सारा निपटारा सुलटा गया। अब आप कब तक कर देंगे, टाइम क्या डिसाइड करेंगे? अभी ये कर रहा हूं, सागवाड़ा में भी यही मैटर हुआ, सागवाड़ा में भी हमने सुलटा दिया मामला, लेकिन हम निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि सुलटाना बहुत जल्द होगा, प्रशासन और अभ्यर्थी और ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बनाए रखे, हमारे सारे नेता लोग बैठे थे, जनप्रतिनिधि बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे, और निश्चित रूप से हम लोग इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। हम सब समाज के सभी प्रबुद्ध जन हैं, सर देखते रहिए, विधायक महोदय भी हैं, मंत्री जी भी हैं, समाज के बुजुर्ग भी हैं, मुखिया भी हैं।